हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चटकारा चटपट पर। आज मैं बना रही हूँ गुजरातियों का फेवरेट डिश पोहा। बहुत ही आसानी से बनता है ये और बहुत सारे लोग इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। और सुबह की भूख में तो फटाफट से अगर कुछ खाने का मन हो तो झटपट से बन जाता है 5 मिनट में पोहा। बहुत जगह पर पोहा को चूड़ा बोला जाता है, तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास चूड़ा और इसे अच्छी तरह से धो लेना है। और धोने के बाद इसके पूरे पानी को निकाल देना है, क्योंकि ये जो चूड़ा यानी पोहा जो है ये बहुत जल्दी फूलने लगता है और पानी एब्जॉर्ब करने लगता है, तो इसलिए इसके पानी को हमें अच्छी तरह से निकाल देना है। और उसके बाद लेना है हमें प्याज, 1 बड़े प्याज मैंने कट कर लिए हैं, थोड़ी सी मूँगफली ले ली है और लिया है हल्दी, नमक लिया है, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। और हल्दी और नमक के बाद हमें इसमें लेना है चीनी, चीनी यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और उसके बाद यहाँ लिया है 1 टीस्पून राई, 10 से 15 पत्ते कड़ी पत्ते और 4 हरी मिर्च ली है, उसे बीच से कट कर लिया है यानी चीरा लगा लिया है। और अब हमें मूंगफली को फ्राई करना है। सबसे पहले इस तरीके से मूंगफली को हम हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई करेंगे और इसमें थोड़ा सा हम नमक भी ऐड करेंगे। नमक डालने से मूँगफली अच्छी तरह से फ्राई भी होता है और उसका टेस्ट जो है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। मूँगफली धीमे आंच पे फ्राई करें, इससे सारी मूंगफली जलती भी नहीं है और फ्राई भी हो जाती है। ये इस तरीके से जब मूंगफली फ्राई हो जाएगी तो ये बीच से फटे फटे जैसे दिखने लगते हैं। और अब मूंगफली निकाल के हमें डालना है थोड़ा सा ऑयल और उसमें डाल देना है काला वाला सरसों यानी राई और कड़ी पत्ते, और उसके बाद मिर्च डाल के प्याज डालना है। और प्याज को यहाँ सॉफ्ट करते हुए हमें हल्का ब्राउनिश होने तक फ्राई करना है। और अब उसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है और फिर से इसे फ्राई करना है। बहुत लोग पोहे में बहुत सारी सब्जियां भी डालते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आपको झटपट से पोहा बनाना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और अब यहाँ पे हम हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी और डालेंगे। हल्दी मैंने 1.5 टीस्पून डाला है और इसे अच्छी तरह से हम मिलाते हुए फ्राई करेंगे। आप चाहें तो प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भी भून सकते हैं और या फिर चाहें तो हल्का सॉफ्ट होने के बाद भी इसमें पोहा डाल सकते हैं। यहाँ प्याज हमारा रेडी हो चुका है और अब इसमें डाल देने हैं फूले हुए चूड़ा। चूड़ा को अच्छी तरह से फुला लें ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि सॉफ्ट होने के बाद ये खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरह से हमें इसे मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट चलाना है। ये 1 से 1.5 मिनट होने के बाद अब इसमें डाल देना है चीनी। चीनी 1 टेबल स्पून हम डालेंगे। चीनी डालने के बाद जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये तैयार हो गया पोहा और अब इसमें हमें ऐड करना है, आप चाहे तो यहाँ गरम मसाला और हरा धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं और चाहे तो इसे सादा भी बना सकते हैं। यहाँ पे अब हम डालेंगे मूंगफली, और अगर आप चाहें तो मूंगफली ना भी डालें, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना बिना मूंगफली के भी पोहा तैयार हो जाता है और खाने में अच्छा लगता है। सुबह के नाश्ते के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ये तैयार है पोहा, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।